थैंक यू प्रभु. हम सती प्रभु इज वेरी हम्बल डिवोटी, वेरी सिंसियर डिवोटी एंड लिविंग इन हरे कृष्णा टेम्पल सिंस वेरी लॉन्ग टाइम. And at the moment, he is head of Hare Krishna school and making all the kids very good devotee like him. So which is really good. Blessings. Engaging everyone and at the same time serving in the temple, giving class in the temple. Thank you, Prabhu. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. चैप्टर वन से लेकर श्रीमद्भागवत गीता में चैप्टर सिक्स तक ये बताया गया है कि हमारे सेंसेस से, हमारे इंद्रियों से कैसे हम योग कर सकते हैं, कैसे हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं. तो इसको कर्म योग कहा जाता है. इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है भगवद गीता को. 1 to 6 इज कर्म योग और 6 to 12 ये है भक्ति योग. तो भगवान ने बहुत अच्छे से भक्ति योग का वर्णन किया है श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय तक. फिर इसके बाद अर्जुन के मन में ये आता है कि आप अपने ऐश्वर्य के बारे में कुछ बताइए. जैसे प्रभु जी ने आज भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया कि सारा जगत जो हम देखते हैं तो ये भगवान का ऐश्वर्य है और भौतिक जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड की परछाई है, शेडो है. तो इस जगत को हम देखकर और भगवत धाम का स्मरण कर सकते हैं कि इसी प्रकार से भगवत धाम भी है लेकिन वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल है. तो इस बहुत ही अच्छा अध्याय है, अध्याय 10. और इस अध्याय में भगवान ने बहुत सारे दिव्य गुण बताए गए हैं कि केवल जीव और ये पहाड़ और नदियाँ, ये समुद्र, इसके अलावा कुछ गुण भी हैं जो मुझसे आते हैं. वो कौन से हैं? तो श्लोक नंबर 4 और 5 में वो गुण आप पढ़ सकते हैं कि बुद्धिर ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव चा अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशोदसा भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा. तो ये भी भगवान से आता है, सब कुछ भगवान से आता है. तो भगवान के बारे में जानकर जीव स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति करता है. तो भगवान फिर अपने विषय में बताते हैं कि मेरी भक्ति करता है. तो इस अध्याय में चतुर्थ श्लोक की भगवद गीता का वर्णन है. ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें वर्स नंबर 8, 9, 10, 11 उसको चतुर्थ श्लोक की भगवद गीता कहा जाता है. अगर केवल कोई इन 4 श्लोकों को बोलता है, इन 4 श्लोकों का रिसाइटेशन करता है तो उसको पूरी भगवद गीता पढ़ने का फल मिलता है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी का पाठ करते हैं, केवल इसी 4 श्लोकों का पाठ कर लेते हैं और उनको भगवद गीता पढ़ने का फल मिल जाता है. तो इसमें सबसे पहले भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता. कि व्हाटएवर यू सी, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं और जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, व्हाटएवर वी कांट सी, मत्तः सर्वम प्रवर्तते एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी. तो जो इस बात को जानता है बुधा भाव समन्विता तो वो बुद्धिमान है, वही मुझे जानता है. और मुझे जानने वाले
इफ एनीवन नोज मी देन व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, वो किस तरह से भक्ति करता है। तो भगवान ने 9वें श्लोक में भक्ति की प्रोसेस बताई है, मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंतः परस्परं कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यंचित च रमन्ति च। मत चित्ता, उसका चित्त मेरे चित्त के जैसे हो जाता है। कि कभी कभी है ना, कोई फर्स्ट क्लास डिवोटी होता है, सेकंड क्लास डिवोटी होता है, थर्ड क्लास डिवोटी होता है। तो फर्स्ट क्लास डिवोटी क्या होता है, जो किसी के मन की बात को जान जाए। जैसे हनुमान जी, वो श्री रामचंद्र जी के मन की बात को जानते हैं और वैसा कर्म करते हैं। जब सुग्रीव के पास गए श्री रामचंद्र जी, तो सुग्रीव ने सोचा कि मेरे राज्य को बाली ने हर लिया है, इनका भी राज्य चला गया है। मेरी पत्नी को बाली ने हर लिया है, इनकी वाइफ को भी रावण ने ले लिया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड राम, नथिंग। तो उनसे गले मिलने लगे। तो हनुमान जी कहते, कितना मूर्ख है सुग्रीव जी। सुग्रीव जी किसके पुत्र हैं, सूर्य पुत्र माने जाते हैं। तो क्योंकि हनुमान जी ने सूर्य से शिक्षा ली है, तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने कहा कि मेरा जो पुत्र है थोड़ा डल है, उनके साथ में रहो, उसको गाइडेंस करते रहो, तो इसलिए सुग्रीव के साथ में रहते। देखो, भगवान के गले लग रहा है, उनके पैर छूना चाहिए। तब श्री रामचंद्र जी को बैठने के लिए आसन दिया, लेकिन लक्ष्मण जी को नहीं दिया। तो श्री रामचंद्र जी बैठे नहीं, उनके मन में आया कि मेरे भाई को, मेरे सेवक को आसन नहीं दिया। भगवान अपने भक्त को चाहते हैं, भक्त की सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में क्या चल रहा था, कौन समझ गए? हनुमान जी। तो तुरंत चंदन के वृक्ष को तोड़कर एक ब्रांच लेके आए और लक्ष्मण जी प्लीज सिट डाउन हियर। इसके बाद श्री रामचंद्र जी बैठे और बहुत खुश हुए। उस दिन श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम लक्ष्मण के समान मुझे प्रिय हो, जैसा मैं लक्ष्मण को चाहता हूँ वैसा ही आपको चाहता हूँ। मत चित्ता, जो किसी के मन की बात को समझ जाए वो फर्स्ट क्लास डिवोटी है। और जो कहने के बाद करें वो भी, और कुछ है जो कहने के बाद भी नहीं करते हैं, है ना। तो मत चित्ता मदगत प्राण, जो समर्पण कर दे, अमरीश महाराज की तरह आप लोगों ने सुना है, सब कुछ भगवान के लिए करे। मदगत प्राण बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज है डिवोटी की, कैसे भक्ति करते हैं डिवोटी, प्रोसेस भगवान की भक्ति की, वो कथयंतश्च माम नित्यम। भगवान के विषय में कुछ कथा हो, कुछ श्रवण हो। जैसे प्रभु जी ने बहुत बढ़िया से कथा कही, तो कथा श्रवण आदान प्रदान हो। तुष्यन्ति च रमन्ति च, जब हम लोग सुनते हैं भगवान की कथा, भगवत गीता की कथा, तो तुष्यन्ति, तो हमें अच्छा लगता है ना। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छा लगता है। हमारा जो हृदय है वो धीरे धीरे शांत होता है, शांति मिलती है। और रमन्ति च, कैन यू स्पीक लिटिल बिट more, I want to hear more, ramanti cha, तो रमते जाते हैं उसमें, they want to hear more, so this is quality of devotees, इस तरह से, और this is process of devotional service, always we have to continuously hear from devotees, और भगवान गीता में भगवान वास्तविक ज्ञान देते हैं, कि जो चतुश्लोकी गीता के तीसरे श्लोक में वर्ष नंबर 10 में, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयान्ति ते। अगर कोई इस तरह से भक्ति करता है, इस तरह से भक्ति करता है, डरने की बात नहीं है कि बुद्धि है कि नहीं है, बुद्धि अगर भगवान में भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बस करता है तो भगवान उसकी सब तरह से रक्षा करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग भी देते हैं। भक्ति, जब हमारी बुद्धि प्योर हो जाती है तब हम भक्ति योग कर सकते हैं। तो बुद्धि भी देते हैं, मटेरियल थिंग्स भी देते हैं। नरसिंह मेहता गुजरात में रहते थे, तो वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। तो उनकी जो डॉटर थी, उनकी मैरिज फिक्स हुई नेक्स्ट
5 days के बाद में उनकी मैरिज थी। तो पत्नी ने कहा कि आप जाइए, आप तो यहाँ मधुकरी करते रहते हो, ज्यादा टाइम आप पढ़ने लिखने में, कथा श्रवण कीर्तन में लगाते हो, जाओ कुछ धन लेकर आ जाओ, गेट सम मनी फॉर योर डॉटर्स वेडिंग, आस्क फ्रॉम योर रिलेटिव्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स। तो वो चले गए, निकल के घर से गए और जा रहे थे पैसे लेने के लिए, तब तक में बीच में एक जगह उन्होंने देखी कि भागवत कथा सप्ताह चल रहा था, 5 दिन में वेडिंग है, सप्ताह मीन्स 7 days, 7 days के लिए कथा चल रही थी और वो बैठ गए और कथा सुनने लगे। तो तुष्यंति चा रमंती चा, he forgot this wedding in 5 days, he was sitting there for 7 days and listening भागवत कथा, and after 7 days he asked someone, what's the date today? किसी ने कहा कि 3 days ago they supposed to be my daughter's wedding, what to do now? तो अब मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तो लेकिन किसी तरह से धीरे धीरे घर गए, और जैसे ही गांव के पास में गए तो लोग कहने लगे कि बहुत अच्छा किया। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि हंसी उड़ा रहे, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वट एवर यू हैव डन वेरी नाइस। तो उनको लगा कि दे मस्ट बी यू नो प्लेइंग विथ मी, दे मस्ट बी लाइक कहते हैं टॉन्ट करना कहते हैं ना, वो ऐसा कर रहे हैं। फिर आगे गए तो लोग और कहा, फिर घर गए तो उनकी वाइफ पानी लेके आई, वाटर, तो बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी व्यवस्था की। तो तुम हंस रही हो कि सच में कह रही हो? अरे स्वामी सच में कह रही, क्या किया मैंने, मुझे बताओ क्या हुआ, हमारी बच्ची कहाँ है, हमारी डॉटर कहाँ है? तो उन्होंने बोला उसकी तो शादी हो गई। तो कैसे, देयर वाज नो मनी एट हाउस। तो फिर उन्होंने बताया कि 11 years old बॉय केम, एक बच्चा आया जिसने कहा कि नरसिंह मेहता गोसाई जी ने ये सारा सामान भेजा है, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारा धन, बहुत सारा रुपया, सब कुछ भेजा है और आपके कारण शादी हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको क्या समझते थे कि आप निठल्ले हो, लेकिन आपने इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी। देखिए तो भगवान जो है वो सब कुछ देते हैं, योग क्षेमम वहम में हम, और बुद्धि भी देते हैं। इसके बाद चतुर्थ श्लोक की भगवद गीता का अंतिम श्लोक, तेसाम एवानुकम पार्थ अहम अज्ञान जम तमह नास्यामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। इसी तरह का एक वर्ष था 4.42, जो चतुर अध्याय का अंतिम श्लोक, चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक, कि भक्त जन ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काट देते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। तो उसी तरह से भगवान कह रहे हैं ज्ञान के दीपक से अज्ञान को मिटा देते हैं। इस तरह से भक्तगण, हम लोग क्या कहते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गम्य। तो अगर भक्ति योग करेंगे तो एकमात्र भक्ति योग है जो अमृतम गम्य, इस भौतिक संसार से निकल के हमको ज्ञान में लेके जाएगा। अब अर्जुन इसको सुन के बहुत खुश हो गए, भगवान भगवान मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट यू। तो भगवान इसी का वेट कर रहे थे, तब अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव मजम विभुम आहुस्तव ऋष्य सर्वे देवर्षिनारदस तथा असितो देवलो व्यास स्वयं च ब्रवीषि मे। तो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण, ये तीनों की तीनों उन्होंने इसमें बता दिए कि मैं तीनों देख लिया मैंने कि आप भगवान हैं। किसी बात का विश्वास करते हैं या तो प्रत्यक्ष या फिर अनुमान या शब्द, मैंने तीनों देख लिया। कैसे, परम ब्रह्मा, आप परम ब्रह्म देख रहा हूं मैं आपको, अनुमान भी लगा लिया आपने जो मुझे ज्ञान दिया, और शब्द आपने जो कहा है भगवान भगवत गीता, उससे मुझे पता चलता है कि आप ही भगवान हैं। तो इसके बाद श्लोक नंबर 17 में उन्होंने कहा है, श्लोक वर्स नंबर 17, कि मैं आपके ओपुलेंसेस को देखना चाहता हूँ। इसके बाद भगवान ने अपने ओपुलेंस का, अपने ओपुलेंसेस का वर्णन किया है वर्स नंबर 19 से 41 तक, और भगवान बताते हैं कि मैं क्या क्या हूँ, है ना। भगवान वेदों में साम वेद हैं,
रुद्राणाम संकरश्चास्मि, रुद्रों में भगवान शिव हैं, है ना। तो ये बताया है भगवान ने कि वृक्षों में मैं क्या हूँ, पीपल का वृक्ष हूँ। और इस प्रकार से भगवान बताते बताते सब कुछ बताया है, अंत में कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्चाहम उद्भवस्य च भविष्यताम कीर्ति श्री वाक्य नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृतिश्चमा। मृत्यु एट द एंड आई एम डेथ, मैं सबके लिए मृत्यु हूँ, और मृत्यु के रूप में आके सब कुछ छीन लेता हूँ, है ना। कफन में क्या नहीं है, जेब नहीं। तो जो भी कुछ कमाया है मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। कहते हैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ इस तरह से, और नारियों में क्या हूँ, कीर्ति श्री वाक्य स्मृति मेधा धृति क्षमा, ये सब मैं हूँ। छारी नारी क्या, क्षमा क्या है, स्त्रीलिंग है ना, तो ये सब नारियों में मैं ये सब हूँ। और वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि, और वृष्णियों में मैं स्वयं वासुदेव हूँ, तो खड़े वासुदेव के रूप में। और अर्जुन, अर्जुन भी मैं हूँ। पांडवा नाम धनंजय, मैं हूँ धनंजय। तो इस प्रकार से भगवान ही सब कुछ है। दंड भी भगवान है। और एक बात नहीं समझ में आती कि दूतम, दूत में भगवान छल है, द्रुत कीड़ा में छल है। तो अच्छा भी भगवान से आता है, बुरा भी भगवान से आता है ना। तो इसका अर्थ क्या है, ये बात समझ में नहीं आती कि कोई यदि ये करे, गलत काम करे तब क्या। तो उसके बारे में कहा गया है कि हमें हमारे कर्मों का फल तीन तरह से मिलता है, दे आर थ्री कर्ता नॉट वन, जीव प्रकृति और भगवान। तो यदि हमारा जो बैलेंस है, हमारा जो कार्मिक बैलेंस है, उसमें यदि कुछ अच्छा नहीं है जो हमें मिलने वाला है, तब हमसे अनजाने में भी क्या होता है, पाप होता है ना। तो प्रकृति पाप कराती है, तो प्रकृति दंड दिलाती है, छल कराती है, या जो कुछ भी सपने के रूप में या किसी भी रूप में। तो इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान ने अपना ऐश्वर्य बताया है। तो भगवान का ऐश्वर्य सुनने के बाद अर्जुन के मन में आ गया, नाउ आई हैव हर्ड योर ऑपुलेंसेस, नाउ आई वांट टू सी, तो कैन यू प्लीज शो मी योर विराट स्वरूप सो आई कैन सी एवरीथिंग इन यू। तो ये अर्जुन कहते हैं। तो प्रथम दो श्लोकों में अर्जुन ऐसा भगवान के विषय में कहा है कि आपने जो उपदेश दिया है इसको सुन के मेरा मोह दूर हो गया है,